Sometimes you visit a place that stays with you forever. This was planned as any other regular trip, but the moment we reached there, the feeling of this tranquil journey through peace, nature and woods is just mesmerizing and paramount. The minute we reached Prashar, we were astounded by the sheer magnificence of that place. जैसे खोज करने वाले आए थे ना यहाँ वैज्ञानिक तो उन्होंने कहा 700 साल पुराना है मंदिर जैसे हमारी देवगणना के अनुसार मतलब 3000 3500 साल पुराना है लगभग प्राश ऋषि ने पूरे संसार में घूमना था इसलिए फिर ये जगह इनको पसंद आ गई रहने के लिए तो इन्होंने विश्वकर्मा को याद किया तो उस जगह पे 6 महीने का बच्चा आता है तरखान जाति का तो फिर उसने मंदिर का निर्माण किया तो जैसे बनाते बनाते 18 साले लगी तो आगे मकड़ी ने जाला बना लिया पीछे से उसने अपनी निकासी कर दी उसके बाद फिर एक पीस बच जाता है तो उसको चारों तरफ बांट दिया ये बागी में साथ में ये तुंदला बोलते हैं शिव अवतार के साथ ज्वालापुर में अपने बांदी में Sitting with native inhabitants gave me a brighter picture and I gathered some interesting facts about Prashar. तो जैसे गुर के पास गज आज भी है वो तो वो गज के साथ एक छेद डाल दिया तो वहाँ पानी निकलना शुरू हो गया बनते बनते झील बन गई और ये टापू भी वो किश्ती भी बनी तो आज भी वो किश्ती झूलती रहती है इधर उधर तो वो पानी भी पवित्र है और लोग जैसे देवी देवता आते हैं मेला नाहौली में उसी शुद्धि में स्नान कर लेते हैं इस झील में जाके Indeed, this was a mere trip which revamped into a bewitching experience which will be unforgettable.